इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक सेल दिया हुआ है। इस सेल का ईएमएफ 0.79 वोल्ट बता रखा है। क्वेश्चन, केएसपी ऑफ एजीआई पूछ रहा है। तो देखो, केएसपी ऑफ एजीआई इस सेल रिएक्शन में कैसे निकलेगा। तो देखो, हमारा एनोड तो ये है, दिस इज एनोड, ये एनोड है, ये आपका कैथोड है। कैथोड तो बहुत सिंपल है, कैथोड कुछ नहीं है, एजी रॉड इज डिप्ड इन एजी प्लस सॉल्यूशन। एनोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप ऑफ एनोड को ग्राफिकली देखते हैं क्या है। क्या बोला है, एजी रॉड लिए है, एजी आई लिया गया। अब एजी आई है क्या? देखो, एजी आई एक सॉल्ट है जो कि बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, इसीलिए हमने बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और ये के आई है, तो इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड को बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इसका आगे रिएक्शन समझते क्या होता है। तो अगर ये एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो एजी गोस टू एजी प्लस नहीं, एजी आई में जाता है। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, तो ऑक्सीडेशन तो हुआ है बट एजी प्लस नहीं बना, एजी आई बना है। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन हम लोग को देना होगा, बिकॉज सिल्वर लूजेस वन इलेक्ट्रॉन। तो ये आई कहां से आया, आई मतलब इधर से कंज्यूम हुआ था। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ योर एनोड। तो इसका अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, इसका नर्स्ट इक्वेशन आएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट। अब किसका ई नॉट, एजी से एजी प्लस का नहीं, एजी से एजी आई का ई नॉट, एजी से एजी आई का ई नॉट, एजी गया एजी आई में, एजी प्लस में नहीं, माइनस ऑफ 0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इनटू लॉग ऑफ, यहां तो वन आएगा, यहां आएगा सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस। सो दिस इज द ईएमएफ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, आई माइनस का कंसंट्रेशन चेंज करेगा, ईएमएफ चेंज करेगा। अब देखो, इसमें एक ये नया चीज हम लोग का इन्वॉल्व है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एजी टू एजी आई। हम लोग को स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एजी टू एजी प्लस पता होता है, एजी टू एजी प्लस पता है, एजी टू एजी आई पता नहीं है। तो देखो, इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालेंगे, इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एजी गोज टू एजी प्लस एन इलेक्ट्रॉन, दिस एजी प्लस कंबाइंस विद आई माइनस टू गिव यू एजी आई। तो देखो, हमारा नेट रिएक्शन क्या आएगा, ये एजी गया, नेट रिएक्शन आया एजी गोज टू एजी आई प्लस ई माइनस और आई माइनस। तो हम लोगों को इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है। तो देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डेल्टा जी नॉट लिखेंगे, इसका भी डेल्टा जी नॉट लिखेंगे, डेल्टा जी वन डेल्टा जी टू। इसका डेल्टा जी वन जी नॉट वन होगा, माइनस एन मतलब वन, वन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इनटू एफ इनटू ई नॉट, किसका ई नॉट, एजी से एजी प्लस का ई नॉट, इसका होगा
माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ किसका, एजी से एजी प्लस का। अब इसका लिखेंगे, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन का हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा जी नॉट माइनस आरटी, माइनस आरटी एलएन केएसपी, क्योंकि सॉल्ट है तो यहां केएसपी आएगा। यहां पर डेल्टा जी नॉट थ्री क्या होगा, माइनस एन मतलब वन इंटू एफ इंटू ई थ्री, यही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा जी नॉट थ्री विल बी डेल्टा जी नॉट वन प्लस डेल्टा जी नॉट टू विच इज इक्वल टू माइनस एफ ई नॉट माइनस आर टी एल एन के एस पी। डेल्टा जी थ्री कितना है, माइनस एफ ई थ्री इज इक्वल टू माइनस एफ ई नॉट किसका, ए जी से ए जी प्लस का। देखिए ए जी से ए जी प्लस का है, तो ए जी टू ए जी प्लस माइनस ऑफ आर टी एल एन के एस पी। मैं ई नॉट निकाल रहा हूं, ये स्टैंडर्ड ई एफ निकाल रहे हैं, तो एफ एफ चला जाएगा, यहां से एफ जाएगा यहां जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए, ई थ्री नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ए जी टू ए जी प्लस, यहां पर एक गड़बड़ किया हम लोग, यहां वन बाय के एस पी होगा, माइनस आर टी एल एन वन बाय के एस पी होगा, इसका माइनस वन हो जाएगा ना, तो यहां पर वन बाय के एस पी है, वन बाय के एस पी, वन बाय के एस पी, वन बाय के एस पी। देखो इसका होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन कंसंट्रेशन ऑफ दिस बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस, तो वन बाय के एस पी होगा, प्लस आर टी एल एन, यहां एफ नीचे आएगा, वन बाय के एस पी। तो देखिए ई थ्री नॉट इज इक्वल टू दिस प्लस आर टी एल एन वन बाय के एस पी। तो हम लोगों को इसका मालूम चल गया स्टैंडर्ड ई एम एफ कितना होता है। तो स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ ए जी टू ए जी आई इज ई नॉट ए जी टू ए जी प्लस प्लस आर टी बाय, लॉग ले लेंगे तो 2.303 बाय एफ इंटू लॉग ऑफ 1 बाय के एस पी। नाउ ये हम लोग को अब मालूम आ हो चुका है, मतलब दिस इज नोन, सो आई नो दिस, तो अब ई सेल निकाल सकते हैं हम लोग, यहां से ई सेल निकालेंगे, तो दिस इज इक्वल टू ई सेल, किसका ई सेल निकाले, एनोड का निकाले, ई सेल ऑफ एनोड इज इक्वल टू ई नॉट ए जी टू ए जी प्लस प्लस, अब देखो आर टी बाय एफ इंटू 2.303, टेम्परेचर पुट कीजिए 298, आर पुट करेंगे एफ पुट करेंगे 0.059 आएगा, तो 0.059 बाय 1 इंटू लॉग ऑफ 1 बाय के एस पी माइनस 0.059 बाय 1 इंटू लॉग ऑफ 1 बाय आई माइनस। तो दिस इज ई सेल ऑफ एनोड, हमने एनोड का सिर्फ निकाला है, कैथोड अभी बाकी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैथोड का निकालेंगे। ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसे आया, ये हम लोगों ने डेल्टा जी का यूज करके इस रिएक्शन से निकाला है। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो हम लोगों को इसका ईएमएफ पता है, तो ई सेल ऑफ एनो इज इक्वल टू ई नॉट ए जी टू ए जी प्लस प्लस ऑफ 0.059 बाय 1 इंटू लॉग ऑफ 1 बाय के एस पी
माइनस 0.059 बाय 1 इंटू लॉग ऑफ 1 बाय आई माइनस। अब ई सेल कैथोड क्या हो जाएगा? कैथोड में सिंपल रिएक्शन है एजी प्लस से एजी, तो ई नॉट एजी प्लस 2 एजी माइनस 0.059 बाय 1 इंटू लॉग ऑफ 1 बाय एजी प्लस। कैथोड का रिएक्शन देखिए, कैथोड का रिएक्शन है एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू एजी, तो कैथोड का ईएमएफ ये आया, एनोड का ये आया, तो हमारा ई सेल क्या हो जाएगा? ई सेल हो जाएगा दोनों का सम। अब देखो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, यहां एजी से एजी प्लस है, यहां एजी प्लस से एजी है, तो ये तो जीरो देगा, कैंसिल कर जाएगा। अब बहुत सारे 0.059 के साथ बगल में कुछ है, वो लिखेंगे 1 लॉग ऑफ 1 बाय के एस पी माइनस लॉग ऑफ 1 बाय आई माइनस माइनस लॉग ऑफ 1 बाय ए जी प्लस। अब I माइनस का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.05 और Ag प्लस का भी कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.05, तो अब हम लोग इसको पुट करेंगे तो आया 0.059 बाय 1 इंटू, मैं सबको प्लस कर देता हूं, तो लॉग ऑफ 1 बाय के एस पी प्लस लॉग ऑफ आई माइनस प्लस लॉग ऑफ ए जी प्लस, दिस इज इक्वल टू 0.059 बाय 1 इंटू लॉग ऑफ 1 बाय के एस पी मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस मल्टीप्लाइड बाय ए जी प्लस। ई सेल कितना दिया है 0.79। अब इसको I माइनस को पुट करेंगे 0.05, Ag प्लस को पुट करेंगे 0.05, फिर एंटी लॉग लेंगे, आपका KSP आ जाएगा, KSP आएगा फाइनली इतना।